हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्म में लैमनेस क्यों आता है, इसका बचाव और ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, मुर्गियों में स्ट्रेस तनाव बहुत ज़्यादा होने के कारण मुर्गा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यानी उसके बॉडी में कैल्शियम को सोखने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने लगती है तो मुर्गा लंगड़े होने लगते हैं। दोस्तों, मुर्गियों को स्ट्रेस में आने के कई कारण होते हैं। पहला कारण, जब बैक्टीरियल और वायरल डिसीज़ बार बार फार्म में अटैक कर रहा हो और बार बार मुर्गा बीमार हो रहा हो तो उस बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने लगती है और बर्ड भी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। और दोस्तों, दूसरा कारण, फार्म में बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण भी मुर्गा स्ट्रेस में आ जाता है। दोस्तों, अगर आपके फार्म में मुर्गियां ज़्यादा हैं और उनका रहने का जगह कम है और फीडर ड्रिंकर भी आप कम ही लगाए हुए हैं तो उसके कारण भी मुर्गियाँ स्ट्रेस में आ जाती हैं, जैसे पूरे मुर्गों को एक बराबर से फीड और पानी नहीं मिल पाता है तो जिसको नहीं मिलता है वो इधर उधर घूमती रहती हैं, तो इसके कारण भी मुर्गियां स्ट्रेस में आ जाती हैं। जब हम मुर्गियों की केयरिंग करने जाते हैं तो कभी कभी मुर्गियां बहुत तेज़ भागकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो जो मुर्गा नीचे पड़ जाता है वह चोट लगने के कारण भी लंगड़ा होने लगता है। कभी कभी हमारे पैरों से भी उनका पैर दब जाता है तो भी वह मुर्गा लंगड़ा हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बचाव की। तो जब भी कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करें तो उसका डोज बहुत सोच समझ कर दें, क्योंकि एंटीबायोटिक का डोज ज़्यादा होने से भी बहुत प्रॉब्लम होता है। जब भी आप एंटीबायोटिक चलाएं तो उसके साथ मल्टीविटामिन को ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। जब आपका बर्ड 8 दिन का हो जाए तो कैल्शियम, विटामिन D3, फास्फोरस, विटामिन B12 का एक डोज दे दें। फिर जब 15वें दिन का हो जाए तो भी एक डोज दे दें, और जब आपका बर्ड 21वें दिन का हो जाए तो भी एक डोज दे दें। इससे आपके बर्ड में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और लंगड़ेपन की चांस बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, आप यह बहुत ज़्यादा ध्यान दें, दाने में किसी भी तरह की नमी ना रहे और किसी भी तरह का फंगस ना रहे। दाना एकदम ड्राई, एकदम सूखा ही खिलाएं। पानी एकदम साफ सुथरा दें। पानी का पीएच लेवल 65 से 85 हो। अगर आपके पानी का लेवल इतना नहीं है तो आप वाटर सैनिटाइज़र का रेगुलर यूज करें। दोस्तों, मुर्गियों को रहने की जगह पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि मुर्गियां बीच में दौड़ सकें। फीडर और ड्रिंकर कम ना रखें ताकि मुर्गा जब चाहे आसानी से खा पाए। और दोस्तों, लीटर को ना गीला रहने दें और ना अधिक सूखा रहने दें। अगर अधिक सूखा रहेगा तो भूसी उनके पैर में चुभेगा। दोस्तों, ब्रूडिंग एरिया में जाएं तो मुर्गियों को ज़्यादा तेज़ मत दौड़ाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तेज़ी में जाते हैं और पूरा हड़बड़वा देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो कैल्शियम, विटामिन D3, फास्फोरस, विटामिन B12, इस फार्मूले का कोई भी सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं जिसमें ये फार्मूला पूरा हो। आप काल्गोफास या न्यूरोफोर्ट दे सकते हैं, इसमें ये फार्मूला पूरा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।